अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। आज अफ्तार में क्या बन रहा है स्पेशल? आज टिक्का मैक्रोनी, टिक्का वो है टिक्का मैक्रोनी, चिकन में टिक्का मैक्रोनी, टिक्का मैक्रोनी बना रही हूँ। आलू? अच्छा, तो ये आलू के अंदर आपने कुछ किया हुआ है? ये मसाला क्या है ना टिक्का, वो डाला और दही डाला 2 टेबल स्पून। अच्छा जी, तो अब ये क्या करने लगे हो आप? इसमें थोड़ा सा ऑयल डाले। ऑयल डालेंगे? सही। अच्छा, हमने ऑयल डाला और अब लहसुन है, आप चाहो तो पेस्ट भी डाल सकते हो इसको। थोड़ा सा क्या करेंगे, पकाएंगे थोड़ा सा, 1-2 मिनट। अच्छा जी जी ये लहसुन हो चुका है। लहसुन हो गया, एक छोटा सा मुन्ना मरुआ था। कितना? आधा प्याज? नहीं, छोटा सा था, बिल्कुल छोटा एक प्याज। अच्छा, 2 टेबल स्पून के करीब होगा। सही। इसको इतना इतनी देर बनाएंगे, थोड़ा सा नरम हो जाएंगे, लेकिन कलर नहीं चेंज हो इसका। अच्छा, अब क्या डालने लगे हो आप? अब ये मसाला है जो आलू का, मैंने चिकन के बजाय आलू को मसाला लगा के। क्या था इसमें? टिक्का मसाला और 2 टेबल स्पून मैंने दही डाला। अच्छा। तरकीब उसमें लिखी हुई है डब्बे पर। अच्छा। ऐसे ही बनाया, बस ये चिकन की जगह मैंने आलू डाल दी, थोड़ा सा बंदा अपनी तरफ से भी तो करे। सही। अब इसको ढक के रख देंगे जब तक ये थोड़ा गल ना जाए, नरम ना हो जाए आलू। अच्छा, ये आलू बॉईल हुए हैं या नहीं? कच्चे आलू, कच्चे आलू हैं ये। सही। अब इसको ढक्कन लगा के ढक देते हैं, पानी भी खुश्क हो जाएगा दही ने छोड़ा है और आलू भी गल जाएंगे। कितने मिनट तक इसको ढक के रखेंगे? 2-3 मिनट देखते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको, पास बैठे रहेंगे। अच्छा जी, तो हमारे आलू तैयार हो गए, गल गए सारे। सारे माशाल्लाह। अब इसमें क्या डालेंगे? गाजर 1 मुट्ठी, इसको थोड़ा सा 10 सेकंड इसको फ्राई करेंगे। बंद गोभी 1 मुट्ठी के करीब। अब ये टिक्का मसाला आधा आलू में डाल दिया था फ्राई के, मैरिनेट किया, और आधा ये 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ये मैंने डाल दिया। चटपटा बना रहे हो? चटपटा था। अब मैक्रोनी डालेंगे? अब मैक्रोनी डालेंगे। तैयार? हाँ बस। अरे वाओ, ये तो बहुत जल्दी बन गई है। आलू गलने के आलू बस टाइम लगता है जी, आलू गला है उसके बाद। माशाल्लाह फटाफट खा लेंगे, मैक्रोनी बॉयल निकाल के रखी हो गए। यम्मी, सिरके की जगह और कुछ डाल सकते हैं? हाँ, इमली का पल्प डाल लो। अच्छा। नींबू डाल लो, कुछ भी डाल लो जो मैसर हो। और ये हमारी डिश तैयार। वाओ, मजेदार। हाँ, हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। अब इंशाल्लाह कल मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।